हेलो सब गाइस, मैं हूं इथन। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, जब आप ओयो के ऊपर या कोई सी भी एप्लीकेशन से या कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप ऑनलाइन होटल रूम बुक करते हो, ठीक है, कपल से जब आप होते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि कहीं यार पुलिस रेड ना मार दे, कहीं हम वहाँ पे होटल में जब टाइम स्पेंड कर रहे हो तो कहीं वहाँ पे पुलिस ना एंट्री ना कर दे, पुलिस कहीं हमसे पूछताछ ना करने लग जाए, ऐसे में पुलिस को क्या जवाब देंगे, ठीक है। तो हर किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने कुछ पिछली वीडियो ओयो से रिलेटेड बना रखी है अपने चैनल पर, तो उसके ऊपर काफी सारे मेरे पास कमेंट आए जिनके मैं रिप्लाई करते करते मैं थक गया, लेकिन कमेंट अब मेरे पास नहीं आना बंद हो रहे पुलिस से रिलेटेड। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूं कि पुलिस से, पुलिस रेड से रिलेटेड जो भी आपके मन में शक होते हैं या सवाल होते हैं, उन सारे शकों को मैं इस वीडियो के अंदर सारे क्लियर कर दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि जब आप ओयो में जाएंगे आपके वहाँ पे पुलिस में, आपके होटल में पुलिस रेड मारने आएगी या नहीं आएगी, अगर आती है तो किस रीजन से आती है, किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के हेल्पफुल और यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो पुलिस रेड क्यों मारती है, पुलिस को कैसे पता चलता है कि इस होटल में जो है गलत काम हो रहा है, ठीक है। तो उसके कई सारे रीजन होते हैं, ठीक है। पुलिस के जो है कई सारे खबरी होते हैं, कई एजेंट होते हैं पुलिस वालों के, वो कौन होते हैं गाइस, हमारे जैसे लोग होते हैं जो पुलिस के लिए काम करते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, हमारे जैसे लोग होते हैं जो जिनके पास कुछ स्किल्स होती है, कुछ फाइटिंग वगैरह होती है या कुछ इधर उधर चाय वाले होते हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस के साथ इनके कॉन्टेक्ट होते हैं कि आसपास के एरिया में मोहल्ले में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारी खबर आपके उस एरिया के जो थाने में होते हैं वो सारी खबर उस थाने तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आपको शायद पता ना हो कि मैं भी, क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस के साथ इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1.5 साल पहले मैं भी ये जॉब कर चुका हूँ पुलिस वालों के लिए। क्योंकि आपको बता दूं, मैं भी पहले मार्शल आर्ट्स, मेरा एकेडमी थी, अब भी है, मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता था, ठीक है। उससे रिलेटेड उसके स्किल को देखते हुए मेरे एरिया का जो थाना था वहां से मुझे ऑफर आया था कि आपके पास ये पार्ट टाइम जॉब करने का एक ऑफर है, तो मैंने वो करी थी 3-4 महीना, तो मुझे वो सेफ नहीं लगी इसलिए मैंने वहां से ड्रॉप कर दिया। तो इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उस एरिया के जिस भी होटल में आप रुकेंगे वहां के आसपास के जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो दुकान वाला हो गया, चाहे वो चाय वाला हो गया, वो हर एक खबर जो है उस थाने तक पहुंचाएंगे कि इस होटल में क्या काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में पुलिस जब भी रेड मारती है, जब वहां पे या तो कोई नशा हो गया या नशा सप्लायर हो, वो होटल के अंदर रुका हो, वो पुलिस वालों को वो खबर पहुंचा दे, ठीक है, ऐसे में पुलिस वहां पे रेड मारने पहुंचेगी और वो आपका बेड लगेगा, उस वक्त आप होटल में वही मौजूद हो और आपके साथ भी पूछताछ होने लगे और आप सही तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको जवाब ना दे पाए और वो पुलिस वाले जो आपको भी अरेस्ट कर ले अपने साथ, ठीक है, थाने में बंद कर दे और आपसे आपके पेरेंट्स को वहां पे बुलवाया जाए। तो गाइस लेकिन आपको इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि ओयो में जब आप होटल रूम बुक करते हैं, सबसे पहला जो काफी सारे कमेंट निकल के आते हैं गाइस, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर 18 से अगर हमारी एज कम है तो क्या हम होटल विजिट कर सकते हैं। गाइस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अगर आपकी होटल 18 साल से कम की एज है, ठीक है, तो आप होटल बिल्कुल भी स्टे मत कीजिए, आप मत बुक करना होटल, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरे का, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके 18 से एज, आपकी एज कम है 17 साल है, या आपकी जिस भी आप पार्टनर को लेके जा रहे हो उसकी 18 से कम की एज है, तो कभी कभार जो है होटल वाले खुद थाने वालों को फोन कर देते हैं, पुलिस वालों को, और बता देते हैं कि इनकी एज जो है 18 से कम है और ये लोग होटल बुक कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस खुद आके आपके रूम पर रेड मार देती है, ठीक है। लेकिन 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 अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर की है तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे इंडिया में, हमारे भारत कंट्री में ये एकदम अलाउ है, ठीक है। 18+ के जो है बिल्कुल फ्रीडम है, कपल जो है वो जाके होटल में स्टे कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पूछताछ उनसे नहीं करने वाला। और गाइस दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है इस केस में गाइस, वो आता है कि उस एरिया के, जिस एरिया में वो होटल विजिट है, उस एरिया के आसपास के जो घर हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उनको उस होटल से प्रॉब्लम है। क्योंकि गाइस मान लीजिए अगर मेरा भी अगर यहाँ पे घर है, ठीक है, उसके आसपास कहीं होटल वगैरह कहीं विजिट हो जाता है, खुल जाता है, तो मेरी फैमिलीज को या मेरे एरिया के जितने लोग हैं उनको वहां से प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे ओयो, क्योंकि देखो अगर हम अपने नजरिए से देखें तो ओयो, देखो एक कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है, ओयो एक ब्रांड है जो होटलों के साथ अटैच होकर होटलों के बिजनेस को आगे ग्रोथ करता है। लेकिन आजकल के लोगों को नहीं समझ में आती चीजें, उन्होंने ओयो को सिर्फ एक गंध समझ के अपने दिमाग में डाला हुआ है, जहां वो ओयो देखते हैं वो हर कोई बंदा ये सोचता है कि वहां पे सिर्फ गलत काम ही होता है, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम समझ सकते हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं वो नहीं समझेंगे, ठीक है। आप जिस भी होटल में विजिट कर रहे हैं, हो सकता है वहां के आसपास के जो लोग हों उनको वहां से प्रॉब्लम हो उस होटल से, ठीक है, और उन्होंने कंप्लेंट कर रखी है, और आप वहां पे जाएं स्टे करें, आप वहां पे अपने कपल्स जो है आप वहां पे ठहरने के लिए जाएं, और उस टाइम जो उनकी लोग आसपास के जो लोग हैं उनकी कंप्लेंट को देखते हुए पुलिस वहां पे एकदम से आ जाए पूछताछ के लिए, ठीक है।
तो ऐसे में शायद आप पकड़े जाओ। लेकिन गाइस पकड़े भी अगर जाओ तो आपको घबराने की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 साल से अगर आपकी एज ऊपर है तो आपको घबराने की और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपसे पुलिस पूछताछ करे तो आप बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस मत खोइएगा, ठीक है। सबसे जो बड़ी बात है, पुलिस अगर मान लो बाई चांस आ भी जाती है और अब आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगती है तो अपने आईडी प्रूफ जो भी है आप उनको सबमिट कीजिए बिल्कुल, ठीक है। समर्थन दीजिए अपना बिल्कुल उनको, ठीक है, क्योंकि वो उनका हक है। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने आईडी प्रूफ जो भी आप उनको नहीं देते हैं तो इस केस में वो आपको अरेस्ट करने का पुलिस को पूरा अधिकार है, ठीक है। पुलिस आपसे जो भी कहे हाँ में हाँ मिलाइए, ठीक है, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल घबराइए मत। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। बाई चांस ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन क्यों हो सकता है और अगर ऐसा हो जाए तो आपको किस तरीके से बचना है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी बात सुनकर आप बिल्कुल भी मत घबरा जाने कि यार ओयो में तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता गाइस। अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है और हो जाए तो आपको बचना क्यों है, सिर्फ मैं इस वीडियो में वो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बात गाइस आप हमेशा अपनी याद रखिए कि जब आप भी कोई भी कपल जा रहे हो तो आप दोनों अपने ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाएं, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि फोटोकॉपी साथ में ले जाते हैं या लड़का अपनी आईडी ले जाता है और लड़की की आईडी लेकर ही नहीं जाता। इस केस में गाइस आपको होटल नहीं मिलेगा, ठीक है, और ऐसे में काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। आप इस चीज का खास करके ध्यान रखें। और कई लोग मुझसे पूछते हैं सर हमारी एज 19 है, मतलब मेरी जो वो जो लड़की है उसकी एज 19 एज है और जो मैं हूँ और मेरी एज 23 या 24 के आसपास है तो क्या हम जा सकते हैं। यार जा सकते हो, मैंने सीधा सा आपको सिंपल क्लियर कर दिया इस वीडियो में कि 18 साल से ऊपर के लोग जो है वो बिल्कुल उनको इलीगल माना गया है, ठीक है। कपल जो है फ्रीडम के साथ एक, ठीक है, प्राइवेसी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप निश्चिंत होकर होटल में विजिट कर सकते हैं। अगर पुलिस वाले आ भी जाए तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, बस जो वो पूछे उनका सीधा सीधा जवाब देना है। ऐसे केस में वो आपको कुछ नहीं कहने वाले, ठीक है। बाई चांस नहीं आते, क्यों आते हैं वो मैं आपको समझा ही चुका हूँ इस वीडियो में। अगर आपसे इस वीडियो से रिलेटेड या ओयो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रह गया हो या मुझसे कुछ बताने में शायद मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। क्योंकि गाइस मैं स्क्रिप्ट नहीं लगता, मैं डायरेक्ट जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जो मैंने देखा है अभी तक, जो मैंने तजुर्बा लिया है, मैं उस चीज को आपके साथ शेयर करता हूँ बस, ठीक है। तो अगर आप मैं कुछ भूल जाता हूँ बोलते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं 101% आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको जवाब जरूर दूंगा। तो गाइस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं इसी तरीके के हेल्पफुल और यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए जब भी लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ओयो होटल से रिलेटेड मैंने पहले भी कुछ वीडियो बना रखी है, जैसे कि आपको ओयो होटल कैसे बुक करना है, ओयो होटल के क्या क्या नियम और क्या क्या पॉलिसी है, ठीक है, ओयो के अंदर हिडन कैमरा होते हैं या नहीं होते, ठीक है। आप सब जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो ओयो की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। या आपको यहाँ पर आई बटन पे भी शो हो रही होगी वो प्लेलिस्ट, आप वहां पे जाके भी ओयो से आपके जितने भी मन में सवाल होंगे वो सब मैंने क्लियर कर रखे हैं, वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।